UPITI, CBSE Board Supplementary Exam, CUET UG 2024 Admit Card और अग्निवीर से संबंधित आज का न्यूज बुलेटिन। यह है आज की प्रमुख खबरें। CBSE Supplementary Exam 15 जुलाई से। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए। बोर्ड द्वारा परिणाम CBSE 10th 12th रिजल्ट 2024 के साथ जारी अपडेट के मुताबिक इस बार 10वीं के 132,000 और 12वीं के 122,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा गया है। इन स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड द्वारा सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन 15 जुलाई 2024 से किया जाएगा। यूपी के 48 ITI को नहीं मिलेगी मान्यता। समाज कल्याण विभाग ने यूपी के ट्यूबवेल, सिविंग एम्ब्रॉयडरी, हिंदी टाइपिंग और अमेचर वाइंडर जैसे ट्रेडों से संबंध 48 निजी ITI को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ज्ञात रहे यूपी में संचालित निजी ITI को सन 1970 से समाज कल्याण विभाग की ओर से मान्यता दी जाती थी। 2016 के बाद इन ITI को समाज कल्याण विभाग की ओर से मान्यता मिलनी बंद हो गई। वजह थी मान्यता के लिए कौशल विकास मिशन के मानकों को पूरा करना। CUET UG 2024 एडमिट कार्ड जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की ओर से CUET UG 2024 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता अपने एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन डिटेल दर्ज करके या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। CUET UG 2024 का आयोजन देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 15 से 24 मई तक करवाया जाएगा। अग्निवीर के लिए आवेदन शुरू। भारतीय नौसेना द्वारा अग्निवीर यानी MR फरवरी 2024 बैच तथा अग्निवीर SSR फरवरी 2024 बैच की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल agnivirnavy.cdac.in पर आज से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 27 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिक्षा से जुड़ी पूरी जानकारियां, एग्जाम्स, एडमिशंस, समाचार और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए विद्यालाइफ के ऑफिशियल वेबसाइट www.vidyalife.com पर विजिट करते रहें और सोशल मीडिया के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यह बेल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप किसी भी समय शिक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सहायता के लिए विद्यालाइफ के आधिकारिक ईमेल आईडी info@vidyalife.com या हमारे आधिकारिक मोबाइल नंबर 9289866815 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। अपने होस्ट और दोस्त विजेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।